अखिलेश ने हिंदू विरोधी गुंडों को दिया है टिकट, अमित मालवीय ने किया सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों का एक दूसरे पर हमला तेज हो गया है। राजनेता अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी आदिल चौधरी का एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब वह घिर गए हैं। उनके बहाने भाजपा सीधा अखिलेश यादव पर हमला कर पूछ रही है, क्या अखिलेश ने ऐसे ही हिंदू विरोधी गुंडों को टिकट दिया है। दरअसल आदिल चौधरी एक बैठक के दौरान कुछ अपशब्द कहते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर अखिलेश यादव से सवाल किया है। मेरठ दक्षिण से सपा उम्मीदवार आदिल चौधरी ने हिंदुओं को दी धमकी, कहा हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। क्या अखिलेश ने नाहिद हसन, आदिल चौधरी जैसे हिंदू विरोधी गुंडों को ही टिकट दिया है। आपको बता दें कि मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी के विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि वीडियो का परीक्षण कराया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी का वीडियो सामने आया है, इसमें वह विवादित बयान दे रहे हैं। वीडियो के बारे में साइबर एक्सपर्ट से भी राय ली गई है। यदि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो आदर्श आचार संहिता सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गलत भाषा का प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।